सिर पर संकट आएगा तो शाम को तो आना ही पड़ेगा ना। जय हो। तो फिर संकट आने पर हम घबरा क्यों जाते हैं, बल्कि संकट आने पर एक आस की जागृति और होनी चाहिए कि संकट आ गया तो मेरा बाबा भी आएगा। जिसने इस देवता को, ये ऐसा देव है जो पल में बन जाता है, एक सेकंड के अंदर में आपका बन जाता है, और जिसका बन जाता है ना उस पर लुट जाता है। इसलिए आइए, कभी कोई आंसू आए ना तो उस आंसू के अंदर में ये विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा सांवरिया ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचने आएगा।
और कसम खाटू वाले भी जरूर आएगा। आता था, आता है और आता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी कोई गमगीन होता है, शाम के दिल में भी दर्द होता है, देख सकता है शाम, देख सकता है शाम, कुछ भी होते हुए देख सकता है शाम, कुछ भी होते हुए। हाथ उठाकर मिलकर तालियां बजाकर क्या कहेंगे? नहीं ये नहीं देख सकता है। ये नहीं थे।
जिनके अंदर में सारा सामान पूरा यात्रा का है, सबके ड्राइवर बाबा के प्रेमी है, बाबा के भक्त हैं। और बहुत से तो यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, हमारे जो भारिया हैं, जो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं, साथ साथ पैदल चलते हैं, हम लोग जहाँ उतरते हैं वहाँ पर तुरंत सामान ढोना, खाना खिलाना, वो भी इतनी मेहनत के बावजूद भी। बहुत से ऐसे जो रोज कीर्तन में बाबा के कीर्तन में खड़े होता है, वही श्याम बाबा के पास। शाम किसी करोड़पति का नहीं, शाम किसी बनिए का नहीं, शाम किसी सिर्फ ब्राह्मण का नहीं, शाम किसी सिर्फ जाट का नहीं, शाम तो जो इसके पास आ गया उसी का आ गया। श्याम ने कभी जाट नहीं देखी। बोले ठाकुर नरेश की जय। हमारा सौभाग्य है, मैं बहुत अपने आप को मानता हूँ कि हमारे जितने भी सेवक हैं, जो सेवा करने आए उनके भाव बदल गए। वो कीर्तनों के अंदर में गाड़ियां चल रही है, कीर्तन गाते गाते चल रहे हैं वो लोग भी। आइए, हेड्स अप टू देम। मैं एक बात बताना भूल गया, हमारे डॉक्टर साहब कभी खाटू ही नहीं गए। एक बार डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ, बोलो खाटू नरेश की। इनको देखो, कभी खाटू नहीं गए। दुर्गापुर से पहले बेनिया चिट्टी में एक पड़ाव पे हम लोग दिन का खाना था, पड़ाव पे थे। वहां पर जो मंडल वालों ने सेवा की थी, वो मंडल वाले बोले एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर साहब आए हैं, उनसे आप सेवा लो। डॉक्टर साहब इधर आओ ना, आ गया हूं, ये सेवा करने के लिए आए। पॉइंट दबाया, दर्द हुआ, लेकिन किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब खाटू चलोगे। इन्होंने पूछा चलूं, दो बार पूछा चलूं। मैंने भी कह दिया कि कहां जाओगे डॉक्टर साहब आप, लेकिन आप कहोगे तो चलूं। मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब, और मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने औजार लेकर चलो, आप बिल्कुल श्याम प्रेमी बनकर चलो, बिल्कुल कुछ मत करना, आप भी हमारे साथ यात्रा में शामिल हो जाओ। और दूसरे दिन से इन्होंने यात्रा ज्वाइन कर ली, कभी खाटू नहीं गए। पहली बार खाटू जा रहे हैं, और ये नहीं कि गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, बल्कि पैदल चल रहे हैं। और हर दूसरे मोमेंट पर हर किसी यात्री को टकराते हैं कि ठीक हो ना, जरा सा किसी का पांव दायां बायां हुआ, कंधे पर हाथ रखकर ठीक हो ना भाई, खुद भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेवा है, यही मेरा श्याम। आइए, हमारे साथ एक और कोहिनूर चल रहा है, जिसके लिखे भजन आज हिंदुस्तान में बड़े शान से गाए जाते हैं। उम्र में मेरे से जरूर छोटा है माधव, लेकिन बाबा की कृपा उस बच्चे पर बहुत है। और एक भजन इस यात्रा के अंदर में इस बच्चे ने लिखा, और ये भजन मैं कोशिश कर रहा हूँ पहली बार सब मिलकर गाना, इसके भाव देखना। आइए, मैं
5-6 दिन यात्रा को हुए, उस श्याम प्रेमी आए सुनना है और पूरी यात्रा के अंदर में लाइव हो, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा मैं कौन होता हूं, बाबा है, बाबा कराने वाले करने वाले। और उसके अगले दिन से 35 mm चैनल लाइव चल रहा है। ये कैमरामैन भी हमारे उतर कर पैदल दौड़ता है। अभी 2 दिन पहले बख्तरबंद गाड़ी, मिलिट्री की गाड़ी थी, हम लोग ठंड में चार चार पांच पांच कपड़े पहनकर, लेकिन ऐसे भी लोग गरीब मिले जो ठंड में ठिठुर रहे थे, लेकिन रथ निकला उनको नहीं मालूम कि कौन सा बाबा है कौन सा भगवान है। दौड़ कर आए, 2 रुपए का सिक्का निकाला और पेटी में डाला और प्रणाम किया। मैंने समझा सबसे बड़े पैसे वाले ये लोग। कई जगह देखने को मिला, ट्रक गुजर रही थी, अचानक ट्रक वाले ने साइड किया, क्लीनर उतर कर आया, 10 रुपए का नोट पेटी में डाला और प्रसाद लेकर फिर ट्रक में चला गया। हमको थोड़ी मालूम है कि श्याम बाबा कौन है। हम लोग रास्ते में जाते हैं, हजारों मंदिर आते हैं, क्या हर मंदिर में रुककर माथा टेकते हो? लेकिन ये ऐसा चुंबक है प्रेमियों, किस्मत वाले को खींच लेता है ये चुंबक है। देखो जो चुंबक बनाया जिस वैज्ञानिक ने, वो चुंबक तो सिर्फ लोहा खींचता है और लोहा ही छोड़ता है, लेकिन ये चुंबक ऐसा है कि लोहे को खींचकर अपनी ओर खींचता है, लेकिन जब छोड़ता है तो लोहा नहीं होता, 24 करेट गोल्ड बनाकर छोड़ता है। आइए, इसी भाव पर आधारित ये भजन है मेरे छोटे भाई का। मेरे दिन Yeah.
और हारे कैसे हारे की
Yeah.
श्री पुष्प बाबा का चरण बस आखिरी पुष्प मत जाओ। हेलो आखिरी मैं रोज बोलता रहा कि 6 महीना पहले इस रास्ते की पूरी कलकत्ता से खाटू तक हर पड़ाव फाइनल करने के लिए हम लोग बाइक कार आए थे। बिल्कुल जंगल लग रहा था और कई जगह आंटी जी बस 5 मिनट झेल लो मुझे 5 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर लो। अरे तो दीदी है ही, उनसे बात कर लो। चूंकि अनाउंसमेंट किया कि रोज कीर्तन करेंगे 2 घंटा, इसी जगह पर हम लोग आए, हॉल देखा और मन में आया यहाँ पर कौन आएगा कीर्तन में, हम ही लोग जितने होंगे वही बैठकर छोटी सी तस्वीर लगाकर इतना काम धाम भी नहीं करना है, एक माला पहना देंगे भाई, बाबा तो भाव का भूखा है, हम टूटे फूटे रहेंगे कहाँ से तेरा श्रृंगार करेंगे, एक माला चढ़ाएंगे, एक बत्ती जलाएंगे, 2 उपले लगाएंगे, जोत कर लेंगे, 2 घंटा राम रोड़ा कर लेंगे, क्योंकि शरीर में ताकत भी नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता था ये शाम है, हमें नहीं पता था ये शाम है, हमारा मन पलट जाता है लेकिन ये पलट देता है। आज 19वां दिन है और हर जगह कल्पना से बाहर श्याम भक्त श्याम प्रेमी आए, कीर्तन में आनंद आया और अटल विश्वास है कि आगे बचे 52 दिन भी रोज बाबा दरबार में बैठे हैं और रोज आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा। देखिए हमारे जीजा साहब भाई 11 को खाटू जाते हैं, बाबा के कीर्तनों की लो ऐसी लगी, बाबा की पदयात्रा की लो ऐसी लगी, 10वीं को खाटू चले गए और 10वीं को खाटू बाबा के मंदिर में घुसकर दर्शन करके बाबा को प्रणाम करके बाबा तेरी यात्रा चल रही है, वहां से ट्रेन में बैठकर पटना, पटना से गया, गया से फिर बाई कार झुमरी तलैया कोडरमा पहुंचे और फिर उसके बाद यात्रा में ज्वाइन कर लिए। बोल आपके हमारी लाला बहन और जीजा जी दोनों आते हैं, एक खाटू की बहन है, लाला बाबू हमारे खाटू वाले हमारे बहुत बड़े भैया हैं, अजीज हैं, उनकी बहन है और ये जीजा हैं, रोज कीर्तन में आते हैं। गोपाल जी ये बाबा की कृपा बिना नहीं होता, ये खींचता है। परसों एडी में दर्द था, हम दवाई खोज रहे थे, दीदी ने बोला मैं कल लेकर आऊंगी, अभी आई तो सबसे पहले डब्बा और कई कई दवाइयों की कि भैया ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, ये बाबा की कृपा है, ये बाबा का प्यार है। किस किस का उदाहरण है, इतना प्यार मिला कि बाबा 71 दिन में क्या होगा पता नहीं, ये परिवार कहां और कहां जुड़ेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। एक भजन में गा रहा हूं, सबको ही गाना, मोर छड़ी का भजन है, बाबा की जब मोर छड़ी घूमती है ना बारे न्यारे कर देती है, टूटे फूटे को जोड़ देती है, संकट ग्रस्त का संकट काटती है और मुर्दे में प्राण डालती है। इसलिए आइए शरण करेगा, शर्म मत करना, हाथ उठाना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना
तेरी मोर छड़ी लहराओ जी, तेरी मोर छड़ी लहराओ, तेरी मोर छड़ी लहराओ जी, तेरी मोर छड़ी लहराओ जी। शरारत की शाम बाबा, शरारत की शाम बाबा, लाए बचाओ जी। शरारत की शाम बाबा, लाए बचाओ जी। तेरी मोर छड़ी लहराओ जी, तेरी मोर छड़ी लहराओ, तेरी मोर छड़ी लहराओ जी, तेरी मोर छड़ी लहराओ। और कौन जाता है बाबा की मोर छड़ी घूमे, कितना भी बजे कर रहा है। Thank you.
श्री रानी सती जी भक्त समिति और जो भी प्रेमी दरबार में पधारे हैं सबका बहुत बहुत आभार। झुमरी तलैया वाले, कोडरमा वाले, हजारीबाग वाले, सभी भक्तों का बाबा पर कृपा करें, बहुत बहुत आभार। श्री श्याम कला भवन हमेशा आपका आभारी रहेगा। जय श्री श्याम।